दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूज़फुल है, क्योंकि आज के टाइम पे हम अपने किचन में एलपीजी गैस स्टोव यूज़ करते हैं, ग्लास टॉप इस तरह का, जिसके अंदर में पाइप लगाने का कंपनी ने ये नोज़ल दिया है। बहुत ही कमज़ोर है ये, मेटल का बना होता है, ये बहुत लोगों के यहाँ पर टूट जाता है। और इस नोज़ल को चेंज करने के लिए और कौन सा नोज़ल लगाएं, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। कुछ लोग इसे खोलने के लिए इस पाइप को बैंड कर देते हैं, इससे लीकेज का प्रॉब्लम होता है। तो सबसे पहले इसे मोमबत्ती से 2 से 5 मिनट के लिए गर्म कर लेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ में ये खुल जाएगा। इसके बाद मेरे पास ये 3 नोज़ल है, 2 ब्रास के नोज़ल है, तो कभी भी नोज़ल लगाए तो ब्रास का ही मेटल का नोज़ल यूज़ नहीं करेंगे। तो ये मैंने ब्रास का नोज़ल लिया है। इसके बाद थ्रेड के अंदर में पाइप जहाँ पे फिक्स होगा नोज़ल, वहाँ पे टेफ्लॉन टेप लगा लें, जो प्लम्बिंग के लिए यूज़ होता है। इस टेप को लगाने के बाद नोज़ल को थ्रेड से टाइट कर लेंगे, इस तरीके से आसानी से पकड़ से टाइट हो जाएगा प्लायर से। तो कभी भी न्यू अगर गैस स्टोव परचेस करते हैं मार्केट से, उसके अंदर भी हम अगर ब्रास का नोज़ल लगा लेंगे तो ये प्रॉब्लम दोबारा कभी नहीं होगा। तो पाइप लगाने के बाद क्लिप भी ज़रूर से लगाएं इस तरीके से।